गल करांगे अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली के सीएम यानी कि दिल्ली की सरकार के वालों सुचेत होया जा रहा नौजवान मामले दे विच, नौजवान जो लापता हुए ने उस मामले नूं लैके उन्होंने नोटिस लिया। सो 26 जनवरी हंगामे दौरान गिरफ्तार किसानों का यह मामला, जिस मामले में वड्डी खबर है, दिल्ली सरकार ने गिरफ्तार किसानों की लिस्ट जारी की है। कह सकते हैं सियासत भी पकती नजर आ रही है एक्शन के दिल्ली सरकार। सो 115 किसानों की लिस्ट जारी की है। लोगों के घर के लोग मिसिंग हैं, वो ये लिस्ट देख सकते हैं। इन लिस्टों से उनको पता चल जाएगा कि उनके घर के लोग कहीं गिरफ्तार तो नहीं हुए, और अगर गिरफ्तार हुए हैं तो वो कौन सी जेल में हैं और कब से गिरफ्तार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे मिसिंग लोगों का पता इससे चल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोग मिसिंग रह जाते हैं तो हमने किसान आंदोलन के संगठनों को आश्वासन दिया, और मैं आप सब लोगों को, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप सब लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों, ऐसे इसके अलावा और अगर कोई लोग आएंगे और हमें सूचना दी जाती है कि वो भी मिसिंग हैं, तो उनको ढूंढवाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी, LG साहब से भी बात करूँगा, ज़रूरत पड़ेगी मैं केंद्र सरकार से भी बात करूँगा, और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि आपके घर के जो भी मिसिंग लोग हैं उनका पता करके हम आपको उनके बारे में सूचित करें, ना कर पाए हों। तो हमारी सरकार ने कल, हम लोगों ने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो भी किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी सबकी लिस्टें बनवाई हैं, और ये लिस्ट हम अभी जारी कर रहे हैं जन सूचना के लिए। 115 लोगों की लिस्ट है जो दिल्ली की अलग अलग जेलों के अंदर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, और वो दिल्ली की जेलों में हैं, और इनके नाम, इनके पिता का नाम, इनकी उम्र, इनका पता, लोगों के घर के। तो साफ तौर पर कहा गया कि आखिरकार सरकार जिहड़ी है वह पूर्ण तौर पर कोशिश कर रही। अगर गल की जाए तो जिथे पंजाब सरकार ते श्रोमणी अकाली दल के वालों, यानी कि दोवां दे वालों जो हेल्पलाइन नंबर जारी होया, वो भी अगर वेख्या जाए तो उधर दिल्ली सरकार भी जिहड़ी है अपने पद्धर से कह रही है कि उन्होंने वालों भी बकायदा लिस्ट जारी की गई है, तो वह भी जेकर कोई किसी को परेशानी हो किसी तरह के न कोई सवाल हो नौजवानों के परिवार उन्होंने पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सारिया पार्टियां सरगरम ने सियासत इस मसले को लेकर पकड़ी नजर आ रही है। पर उत्थे ही सब तो वड्डा मसला है गिरफ्तार हुए नौजवानों का, क्योंकि उन्हां दी गिरफ्तारी तो हो गई है पर मापे परेशान ने। उन्हां दा कहना है कि किस जुर्म के विच उन्हां दे नौजवानों नूं गिरफ्तार किया गया, आखिरकार उस जुर्म की है। उधर गल की जाए तो ऑल पार्टी मीटिंग दे विच भी बीते दिन फैसला होया कि इकट्ठा वफद जिहड़ा है वह पंजाब दा वक्ख वक्ख पार्टियां दा PM नरेंद्र मोदी दे नाल मुलाकात करेगा। सो कुल मिला के इस मसले से सियासत पकती हुई नजर आ रही है। सो दिल्ली सरकार ने गिरफ्तार किसानों की लिस्ट जारी की है, 115 किसानों की लिस्ट जारी की गई है। हाल ही की है वड्डी खबर, पर उत्ते गंभीर विषय की गल की जाए तो सवाल बढ़े।